तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस आज का इंट्रो है उसामा भाई के आर फॉर टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस से, ठीक है। तो रुको, पहले मैं वॉइस चेक करता हूँ क्योंकि वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं बिना वजह का वीडियो बनाऊंगा, मेरा पोपट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस वॉइस टेस्ट तो कर दिया मैंने, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था, नीचे ना माइक की पिन लगाने का भूल गया था मैं, तो फिर मैंने बाद में देखा मैंने पिन तो लगाई नहीं, मैं खुशहाल इंट्रो चालू किया। तो गाइस वॉइस तो एकदम परफेक्ट आ रहा है, तो मैंने लॉग इन किया, देखो अभी मोबाइल पॉकेट में, ये ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन हूँ, मैंने 3:15 बजे ऑनलाइन हुआ हूँ, बट अभी मेरे को अभी कुछ ऑर्डर है नहीं। जो बंदा है यहाँ पर वो कॉलेज पे गया सर्टिफिकेट लाने के लिए, तो मैं 10 मिनट के लिए बैठा हूँ, वो बंदा कॉलेज से आएगा फिर मैं अपना चले जाऊँगा, ठीक है। तो गाइज चल रहा है मेरा टेक चैनल ओपन करने का, क्या लगता है टेक चैनल अपना चलेगा या नहीं चलेगा? क्योंकि टेक का कैसा रहता है पता है क्या, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, स्क्रिप्ट बनाओ, वीडियो बनाओ, एक का टेक चैनल ओपन करो। टेक का है मेरे को एक्सपीरियंस है, टेक का मैं टेक के कंटिन्यूसली वीडियो देखता हूँ, तो टेक का मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। और दूसरा रिएक्शन वीडियो, एक मिनट कौन है देखता हूँ ऑफिस के बाहर कौन आया चल जाना, तो कौन है मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरा ऑफिस नहीं है ना, मेरे दोस्त का ऑफिस है, तो फिर मेरे को नहीं ना पता उसका कोई गेस्ट होगा कौन होगा पता नहीं। तो दूसरा रिएक्शन वीडियो, रिएक्शन वीडियो चल रहा है मेरा, रिएक्शन वीडियो मेरा चल रहा है बिग बॉस के ऊपर बनाने का, लग रहा होगा ना तेरे नाम का सलमान खान कुछ भी कुछ भी। तो मेरा चल रहा है अपना ये रिएक्शन का चैनल एक बनाने का, और शॉर्ट का तो वीडियो में शॉर्ट का चैनल अलग बनाने वाला हूँ, रिएक्शन का चैनल एक अलग बनाने वाला हूँ। ब्लॉग कैटेगरी तो अपने को उसमें इंटरेस्ट नहीं, ब्लॉग का तो नहीं बनूंगा, पहले ब्लॉग का था वो तो डिलीट हो गया, इतनी मेहनत करने के बाद डिलीट हो गया यार, इतना बड़ा चैनल था, ठीक है। उसके बाद ये तो अपना राइडिंग का चैनल MS16 राइडर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बहुत सारे बंदे हैं ना ये डेली देख के बोर हो रहे हैं, तो सोच रहा हूँ मैं कुछ नया करूँ। किसका फोन आया बॉस? हेलो, देखो क्या बोल रहे, देखो सर्विस सही से नहीं ली थी, आज जोमैटो में लॉगिन के दौरान जोमैटो द्वारा दिए गए बैग और टी शर्ट का इस्तेमाल अवश्य करें। अगर आप आज जोमैटो बैग और टी शर्ट का उपयोग करेंगे तो कृपया एक दबाएं। नहीं करूंगा। आपके पास जोमैटो बैग और टी शर्ट नहीं है तो कृपया दो दबाएं। है मेरे पास लेकिन नहीं करूंगा, मैं कट करूंगा फोन, भाड़ में जा। अरे पेमेंट इतना कम दे रही है, ऑर्डर का रेट इतना कम डाउन दे रही है, बोले जोमेटो का बैग और टी शर्ट यूज करो, हाँ नहीं तो क्या। चलो गाइस थोड़ी देर, कल का एक वीडियो था मेरे पास, उसको एडिट करते बैठता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको, चलो। सो गाइस आज कुछ आपने अभी तक तो लॉग इन किया नहीं है, और अपन जा रहे हैं DTTC कुरियर, ठीक है भाई, अमरन ओपोशन इसे नेवासा पुलिस स्टेशन में सर मारहान करना है, तो कर। हाँ हेलो। सो गाइस इनका अभी तक उपोषण ख़त्म नहीं हुआ, यही सोए हुए है, और किसका फ़ोन आया? हेलो। डे से डायरेक्ट नाइट शिफ्ट हुए, इसके रीज़न में तुमको बताता हूँ। सबसे पहले आपने को गिरा है ओरियो केक का ऑर्डर, केक एंड बेक से आपने ले लिया है, और आपने को देने का है केड़गांव देवी रोड, ठीक है, 10 किलोमीटर का आपने को ये ऑर्डर गिरा है, तो आपने को 10 किलोमीटर की कंपनी ने दी है, 90 के 80 प्लस कुछ तो दिए, मैंने को देखा नहीं, लेकिन अभी मैं जाऊँगा फ्लाई ओवर से, ठीक है। तो हाँ हुआ क्या अरे भाई इधर देखा, तो मैं इंट्रो शूट किया, लॉग इन करने के बाद थोड़ा बारिश का भुरभुरा आया, और कल बारिश में भीग गया था मेरा वन साइड, सिर दुख रहा है एसिडिटी से, और उसके बाद बारिश में भी भीग गया। तो उस समय भाई के ऑफिस पे बैठा सोफे पे, वहाँ पे इंट्रो शूट किया, निकला बिल्कुल मूड नहीं काम का, तो मैंने बोला आज कुछ काम करने का नहीं, लेकिन भाई आज काम नहीं करने का, लेकिन काम गया भाड़ में, लेकिन ब्लॉग तो आना ज़रूरी था ना, तो फिर अभी क्या करेंगे, नाइट में शूट करने की बारी है। तुमको तो पता है मैं काम करूँ या ना करूँ, मैं तो बहुत दिन ऐसा होता दिन में काम नहीं करता, मैं शूट के लिए काम करता। अरे यार मेरे पिछले चाक में थोड़ी हवा गड़बड़ लग रही, हवा का प्रॉब्लम है, देखेंगे पहले रुको। फिर कुछ इस टाइप से अभी समझ लो आप, तो अभी मेरी गाड़ी में हवा कम, अब मेरे को पहले हवा देखने की, भाई यहाँ पे हवा 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 तो दिख रहा है मेरे को, ओ हवा भरू क्या,
ताकत थी वह भर लिया अपन ने। चलो अच्छा हुआ हावी की दुकान भी एकदम पास में मिल गई। है क्यों गड़बड़ जा रहा भाई, ये रास्ता क्रॉस करना रिस्की गाइस, थोड़ा संभल गया। ओ अच्छा हुआ हवा मिली अपने को ब्रिज के ऊपर से जाने का था। चलो चढ़ते हैं अपन आसमान की गहराई पे, जाते हैं फ्लाईओवर से। क्या यार फ्लाईओवर बन के इतने दिन हुए, अपने को टाइम ही नहीं मिलता फ्लाईओवर के ऊपर चक्कर मारने को। चुप दो चार बार गया मैं, पूरे चार महीने हुए इस फ्लाईओवर को बन के, मैं बस तीन चार महीने में से एक के दो बार गए। चलो मैं टाइम लैप्स लेता हूँ, टाइम लैप्स ठीक है। सो गाइस अपन यहाँ पर रुके थे ब्रिज से थोड़ा साइड को, अपने को टाइम लैप्स शूट करने का था, बट अपने दोस्त के हाथ में कैमरा दिया था, उसके पास से कुछ तो भी सेटिंग चेंज हुई लग रही है मेरे को। तो अभी मैं रुका, पाँच मिनट रुका, बट अभी मेरे को सेटिंग चेंज करने को, ये करने को है ना, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास आइस केक, तो ये गर्म हो जाएगा, मेरे को 10 किलोमीटर जाना है। तो अभी मैं रात में 12 बजे घर जाऊंगा, तो रात में भी सेटिंग करते नहीं आएंगी। टाइम लैप्स की सेटिंग जो मैंने करके रखा था एक्चुअल में, वो सेटिंग है ना, वो जो दोस्त है तो उसके पास से कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई, उसने ना जो लाइट सेटिंग के चक्कर में उसके पास है टाइम लैप्स सेटिंग भी चेंज हो गई। तो मेरे को एक तो GoPro रीसेट करके फिर से सब सेटिंग फिर से करना पड़ेगी, नहीं तो टाइम लैप्स की सेटिंग फिर से मोबाइल में देख के करना पड़ेगी। क्या हुआ इधर भाई, गाड़ी पंचर हो गई क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, ये बस ऐसे छपरी लड़के है। सो गाइस आ गए अपन केड़गांव आ गए। अभी अपने को यहाँ से लेफ्ट मारना है देवी रोड। अभी अपन मम्मी को पूछेंगे मैं केड़गांव आया हूँ, अर्चना स्वीट से पेड़े लेके आऊँ क्या, क्योंकि अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मम्मी बोलेगी नहीं नहीं बिल्कुल मत ले जाए, फिर भी अपन पूछेंगे देखो ये अर्चना स्वीट्स क्वालिटी वॉस पेड़ है या कि ऐसे अपने को लेफ्ट मारना है। ये इसको बोलते देवी रोड। इधर ऑलरेडी एक बर्थडे चल रहा है, यहाँ एक बर्थडे चल रहा है, और मैंने देखा पहले केक भी कटिंग का काम चल रहा था, तो ऑर्डर में डिलीवर नहीं करता भाई, नया एड्रेस है डिलीवर मार्क कर दे। राउत ना सर? हो सर जाला देखो, अभी थोड़ा बता दो, देखो बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही है, देखो यहाँ पर व्हाइट केक लग रहा है, अंदर व्हाइट केक है छोटा सा, और अपन ने लाया है ओरियो केक। तो अभी दो केक हुए, अच्छे से सेलिब्रेशन होगा उनका भी ठीक है। छोटा सा बेबी का, ये छोटा सा बेबी के पास देखा, मैं जानबूझ कर इसके पास लेके जा रहा हूँ। ओले मेला बच्चा, ओले मेला बच्चा, ओले ओले, देखना इधर मेरे पास, देखना है मम्मा ए पापा। ये हमारा छोटा बेबी के जैसा ही है, लेकिन देखो इतनी धूल है, बाप रे इतनी धूल है, उसके मुंह को रुमाल नहीं, मास्क नहीं, कान टोपा नहीं, कुछ नहीं, इतना पापा वो छोटा सा। तो भाई चलो पापा के नाद में अपन टाइम पास नहीं करते, सीधा निकलते हैं अभी सिटी की तरफ चलते हैं नंदनवन के पास। ये इमेज 12 क्यूटी 60-56 है, स्विफ्ट वाले को ज़्यादा गाई। सो गाइस देखो अपन है ना अभी ना केड़गांव से डायरेक्ट इधर आ गए थे, इधर अजय चाइनीज़ के पास, नंदनवन के पास अपन आधा घंटा रुके, 15-20 मिनट रुके। अभी नंदनवन का ऑर्डर गिरा, जब नंदनवन के पास खड़े थे तब नहीं गिरा, इतनी कमीनी कंपनी यार ये, इतनी देर अपन नंदनवन के पास खड़े रहे तब नहीं गिरा। उसके बाद अपन रुकने के बाद बोर हो गए, फिर उसके बाद निकला मैं इधर आ गया मैं नीलक्रांति चौक में बाहर, तब जाके मेरे को नंदनवन ने ऑर्डर दिया। गाइस आ गए अपन नंदनवन, और यहाँ पर इतनी भीड़ है, या हाँ ये नंदनवन पान शॉप का ओपनिंग था ना, तो उसकी वजह से इतनी कर दिया। तो गाइस अपन कैमरा लगा के अंदर जाएंगे, और थोड़ा अपन है ना वो काउंटर पे जो बैठने वाले हैं उनको टच करेंगे, उन्होंने वो पूछेंगे मेरे को ये क्या है सामने, मैं बोलूँगा कैमरा काई के लिए, तो बोलूँगा ये रेस्टोरेंट वाले कस्टमर इनका राइडर को लेके बिहेवियर कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, कैसी बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तो उसके लिए कंपनी ने दिया ऐसा बोलूँगा। आपको पहले मैं ऑर्डर रेडी देखता है, अरे ऑर्डर रेडी है क्या यार है? देखो इस फिश स्पा, अरे 7 मिनट बाकी है, वेज बना, वेज क्रंची, दाल तड़का को थोड़ा वेट करेंगे अपन। मैं बनूंगा तुझा वीडियो। सो गाइस ये रिंग लाइट है जो सर्कल रेड बोलते हैं इसको, उस टाइप से जो कि सिनेमेटिक शूट होता है ना उस टाइप से यहाँ पर। सो गाइस अपन बैठे थे यहाँ पर, और ये रिंग लाइट, ये पार्सल काउंटर, ये मंकी डोंकी क्या बोलते हैं इसको चिंपाजी, और देखो ये फिश, देखो उंगली डाला करके आएगा लेकिन ऊपर आते, देखो अरे पैर डालना पड़ता पूरा अंदर तब आते, गंदा पानी है। और अपन एंट्री लेते हैं सीधे अंदर, अभी तक ऑर्डर कुछ रेडी है नहीं, देखते कितना टाइम लगता है ऑर्डर कुछ अभी तक भी रेडी है नहीं। ये नंदनवन होटल है, ये बुड्ढा है ना एनी टाइम सॉन्ग गाते रहते हैं, बर्थडे पार्टी वालों के सॉन्ग गाते रहते हैं, अमरीश पुरी का आवाज़ निकल रहा है।
और लेट है, अभी तक भी 3 मिनट लेट है, देखता हूँ। तो आप लोग ऑर्डर रेडी का वेज बुना, वेज क्रंची दाल तड़का ओए धूम मचले, देखो तो धूम मचले है, धूम मचले, अरे अरे अरे। सो गाइस ये फैमिली रेस्टोरेंट है, इधर इतनी बढ़िया तरीके से सर्विस, फैन, एसी, कूलर, डेकोरेशन मस्त बढ़िया तरीके से। तो चलते हैं, अपन ने ले लिया है ऑर्डर, देने का कहाँ पर है, आगरकर माला। चलो गाइस चलते हैं रेलवे स्टेशन आगरकर माला। घंटा पर उड़ी है ऑर्डर मेरे को, कुछ भी नहीं पर उड़ी, क्या पर उड़ी, 2500 रुपए की ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी 800 रुपए लेना पड़ा कस्टमर के पास, ये 805 रुपए दिख रहे हैं, कैश कलेक्ट 805 रुपए, ठीक है 805 लेना होता क्यों नहीं भाई, तुम दो ना 500 की दो, 200 की दो, 100 की दो, 10-10 के 800 रुपए किधर दे रहे हो, बेवकूफ़ साले कस्टमर रहते यार, दिमाग ख़राब करते, नहीं तो क्या राशि नोट बोला कर रहे, ये खिसा भर का देखो, ये इतना बड़ा बंडल दिया उसने 800 रुपए का, 10 मिनट मोजने कुछ लगे मेरे को 80 नोटा, वो भी उसमें से 80 नोटा में से 15-1 नोटा तो फटेले फटेले निकलेंगे, कमाल यार ये लोग कहीं कुछ जोमेटो से ऑर्डर कर रहे 10-10 के नोटा कर रहे, उधर बैंक में देंगे ना हमको देंगे ना, या हमारे पास से कौन लेता क्या, बेवकूफ़ लोग यार ये, नहीं तो क्या 805 रुपए की ऑर्डर, 15 मिनट इंतज़ार, 10 मिनट नोटा मोजने में, 25 मिनट, 25 रुपए मिले यार, नहीं तो क्या। सो गाइस चलो अपन आगरकर माला नंदन वन की ऑर्डर देखिए, ठेठ झोपड़ी अपने इधर आए, क्या बोलते उसको, बालिका आश्रम आए, और आपने वो गिरी झोपड़ी कैंटीन की ऑर्डर, 2 किलोमीटर पिकअप, 2 किलोमीटर देने की 28 रुपए उठा लेते, चलो कम से कम उस साइड तो जाने की ज़रूरत नहीं, इस साइड तो आऊँगा ना, ऑर्डर गिर गया, ये न्यूयॉर्क कॉलेज का बैक साइड है, अरे 6 रुपए कंपनी ने ऐड किया ना फ्रोजीटो का ऑर्डर दिया, देखो इतनी खरामी और कमीनी कंपनी, 6 रुपए ऐड किया, ओनली 6 रुपए, 30 रुपए में 6 रुपए ऐड करके मल्टी ऑर्डर दिया मेरे को, इतनी तो कमीनी कंपनी है। ये है गाइस निशांत झोपड़ी, झोपड़ी है, ऑर्डर रेडी है इनका, मेरे को मैसेज फ्रोजीटो का कहा देने का, देखेंगे चलते हैं फ्रोजीटो। ये देखो गाइस ये बेल्जियम वफल, इसका वीडियो बनाने को जाने का अपने को टाइम नहीं मिल रहा है, इस बेल्जियम वफल का, ये बेल्जियम वफल। सो गाइस ले लिया अपने फ्रोजीटो से ऑर्डर, और पहला अपने को ड्रॉप भी मिला है झोपड़ी का, झोपड़ी का फर्स्ट पिकअप था, ड्रॉप भी झोपड़ी का मिला है। हाँ चलते हैं कराड़ हेल्थ क्लब और देते हैं झोपड़ी का रेसिडेंसी, अमूल पैराडाइज है जो कि ABC, अपन फर्स्ट फ्लोर, अपने को ए में फर्स्ट कब कहाँ जाने का है, सेकंड फ्लोर में, ए विंग में सेकंड फ्लोर जाना है, लिफ्ट है क्या, क्या बात है लिफ्ट है, चलो लिफ्ट में जाएंगे गाइस। लिफ्ट अटक गई थी, मैं सीढ़ी से जाके अभी ऑर्डर देके आया हूँ, लिफ्ट बीच में अटक गई थी, कस्टमर को फोन करा, कस्टमर बोलता सर परत खाली से बटन दाबा खाली जा लिफ्ट ख़राब है, मैंने बोला भाई पहले तो बोलने का क्या, तो उसके ऊपर लिफ्ट के ऊपर लिखने का कम से कम, लिफ्ट नहीं यूज़ करूँ नहीं लिफ्ट ख़राब आए, बच गया वहीं। इसके आगे अभी फिर से मैं कभी लिफ्ट से मतलब ऐसे जूनियर मैंने सोचा अरे इतनी पुरानी अपार्टमेंट है, चलो शुक्र है लिफ्ट मिल गई, लेकिन साला ऐसा होगा लिफ्ट से पता नहीं था, आइंदा अपन लिफ्ट से नहीं जाएंगे भाई। ये भी कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर थी, दे दिया अपने 228 रुपये थे, कस्टमर ने मेरे को 240 रुपये दे दिया, बोले रहने दो, ठीक है भाई अभी नेक्स्ट ऑर्डर देखते हो कहाँ पे जाना है, पहले देखते हो नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ किया, नित्य सेवा हाउसिंग सोसाइटी वसंत टेकड़ी। अरे यार ये कौन सा लोकेशन, MIDC आया हूँ मैं अभी, MIDC साइड अभी गुलमोर चाइनीज के उधर है वसंत टेकड़ी, किधर का एड्रेस, किधर भी डाल रहे कंपनी गाइज, अपने को ये ऑर्डर देने का वसंत टेकड़ी, आपने दिए वानी नगर के पास, क्यों, क्योंकि मैंने कस्टमर का लोकेशन जरा मेरे को डाउटफुल लग रहा था, कस्टमर को मैंने बोला सर कहाँ पर हो, कहाँ आना है, बोले अभी वो सर अपने को आपको ये पता है क्या, बोले गरुड़ जेब अकेडमी, मैंने बोला हाँ पता है, कहाँ पर बोले बस वहाँ पर आके रुको मैं थोड़ा बाहर हूँ मैं आ रहा हूँ, मैंने सर अभी आप कहाँ पर हो, बोले मैं पाइपलाइन वानी नगर, मैंने सर एक काम करो मैं भी वानी नगर के पास हूँ, आ जाओ वानी नगर के कमान के पास ऑर्डर ले लो, तो अभी मेरे को 10 रुपये ज़्यादा मिल सकते थे अगर मैंने कस्टमर के लोकेशन पर ऑर्डर दिया होता, तो मेरे को 60+ मिले होते हैं, बट अभी मेरे को कंपनी ने दिया 58 रुपये दिया, और अगर वहाँ देता था तो 68 या 70 रुपये मिलते थे बराबर, तो मेरे को 10-1 रुपये ज़्यादा मिलते थे, लेकिन ये कस्टमर ने भी मेरे को 10 रुपये टिप बोल के एक्स्ट्रा दे दिए, और उस कस्टमर ने भी 20 रुपये एक टिप बोल के एक्स्ट्रा दे दिए, बोले 30 रुपये मेरे को ये ऑर्डर के और 58 रुपये जोमेटो से, बोले तो मेरे को लगभग ये ऑर्डर 88 चली गई, और अभी मैं दोनों भी ऑर्डर डिलीवर करके अभी जा रहा हूँ मैं गुलमोर चाइनीज के पास, ठीक है। सो गाइस लेट्स सी चलते गुलमोर चाइनीज के पास, रुकते जरा वहाँ पे दोस्त के साथ बातें चीते करते, अगर ऑर्डर नहीं गिरी तो चले जाएंगे गुलमोर चाइनीज के पास, यहाँ से जाएंगे अपने एक बार राइट मार के पारिजात चौक से जाएंगे सीधा
गुलमोर रोड से नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अपन जा रहे थे गुलमोर चाइनीज के पास, और अपने को यहाँ पर भी एक नगर में, नगर के अंदर दूसरा मेला लगा है, ठीक है। तो अभी अंदर तो गाड़ी को एंट्री नहीं है, बट ये डेकोरेशन और ये भाई खतरनाक। अभी इसको एंट्री चार्ज नहीं है, देखो ये गुब्बारे, ये मौत का कुहा, ये है मौत का कुआ गाइस। झूला वीला ज़बरदस्त है, आना पड़ेगा, लेकिन अपनी फटती यार झूले में बैठने को, अपने को डेयरिंग होती नहीं है। क्या ही झूले में बैठ के ब्लॉग बनाएंगे, जो जो डरता नहीं है उसके पास देना पड़ेगा कैमरा, उसको बोलना पड़ेगा भाई ये कैमरा लेके जाए और चिल्ला झूले के अंदर। अपन जा रहे थे गुलमोर चाइनीज़ के पास, लेकिन अपना प्लान हुआ कैंसिल। अभी अपन जाएंगे भाई जाए शोरमा के पास जाएंगे, बैठेंगे थोड़ी देर। चलो क्या कोइंसिडेंस है गाइस, अपन अभी तक भाईजान शोरमा तक आए भी नहीं और अपने को गिरा है भाईजान शोरमा का ऑर्डर, और अपन जा ही रहे थे भाईजान शोरमा तो गिर गए अपने को ऑर्डर, भाईजान शोरमा उठा लेते हैं। सो गाइस ले लिया अपन ने ऑर्डर, और अभी अपन निकल चुके हैं रईस भाई से, अपन ने ऑर्डर ले लिया, दो शोरमा है अलग अलग वैरायटी का और एक मोमोज है, ठीक है। और अभी ये देने का मेरे को मार्केट यार्ड, मैं बैठने के लिए गया था तो गिर गया ऑर्डर, कोई नहीं अपना जो हेडेक कम नहीं हो रहा है, आई थिंक अपन ये ऑर्डर को एंड कर देंगे और इस ब्लॉग को भी घर पे जाके एंड कर देंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। सो गाइस तो चलते हैं मार्केट यार्ड, दे देते हैं इतना ऑर्डर दिया डिलीवर। अभी अपन जा रहे हैं कोटला पे जाके रुकेंगे, कोटले पे। अभी महात्मा फुले चौक है और मेरी GoPro की बैटरी हो गई है डाउन, सो तो क्या करता हूँ मैं अभी अपना ब्लॉग करता हूँ यहीं पे एंड, मिलता हूँ आपको सीधे घर पर, और घर पे जाके करेंगे वीडियो का एंड, वीडियो का दी एंड, वन लाइफ बेबी। सो गाइस चलो मैं भी अभी इसके बाद एक या दो ऑर्डर मारूंगा, मैं चले जाऊँगा घर, ठीक है। अभी मैं GoPro का सेटअप अपना रख देता हूँ गाड़ी के डिक्की में, क्योंकि उतनी बैटरी है नहीं, ठीक है। करता हूँ घर जाके वीडियो का एंड, और मिलता हूँ आपको सीधा घर पे। चलो गाइस बाय बाय। सो फाइनली गाइस मैं घर पे आया हूँ, अभी बज रहे कम से कम 12:30 बज रहे, घर में सब सोए ले, मैंने मेरे हाथों से खाना लिया, खाना खाया, अभी चुपके से सो रहा हूँ, सोने रहा हूँ, पहले वीडियो एडिटिंग करूँगा, ये वीडियो सुबह अपलोडिंग को लगाऊंगा क्योंकि थोड़ा टाइम होने वाला है। ये वीडियो कल सुबह थोड़ा 12-1-2 बजे तो भी आएगा ये वीडियो, क्योंकि ना अभी टाइम बहुत हो चुका है, घर में सब लोग सोए हुए हैं, तो मैं चुपके से लास्ट का वीडियो का ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ पसंद आया होगा प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आज का वीडियो मैं दिन में स्टार्ट किया था, नाइट में एंड किया, ठीक है। थोड़ा क्या हो रहा है कम आवाज़ में बात कर रहा हूँ ना, गड़बड़ हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप क्या बात करो, कैसी बात करो, ठीक है। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक ले जाइए, जय हिंद। चलता है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके।